नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में ANM और GNM का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड आज हम लोग केमिस्ट्री के एक चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण यानी एसिड बेस एवं साल्ट के चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, इसका MCQ हम लोग देख चुके हैं, और अभी तक आपने अगर इसका MCQ नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे इसका लिंक है और आप इस चैप्टर के MCQ को देख सकते हैं। दोस्तों, यहां पे मैंने जितने भी पॉइंट सेलेक्ट किए हैं वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप उसे याद कर लेंगे या फिर आप इसे लिख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अम्ल जो होते हैं, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। मतलब जो ब्लू कलर का लिटमस पत्र होता है उसमें अगर अम्ल डालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है कि क्षार क्या करता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। मतलब रेड कलर का लिटमस पेपर जो होता है उसको क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। देखिए, लिटमस क्या है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, और लिटमस को लाइकेन नामक एक पौधा होता है जिससे क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देखिए, अम्ल और क्षार की जांच अगर संश्लेषित सूचक से करेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर से करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाता है, एक आपका हो गया मिथाइल ऑरेंज जो कि आपका एक सिंथेटिक सूचक है, और आपका हो गया दूसरा फिनॉल फ्थेलिन। तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है अम्ल और क्षार की जांच के लिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो है, देखिए, दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। मतलब जो दानेदार जिंक के टुकड़े हैं उनके साथ अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को घोल दिया जाए तो फिर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। देखिए, एसिड प्लस मेटल, अगर मतलब एसिड से अगर किसी मेटल को रिएक्ट कराते हैं तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, और बेस को अगर एसिड के साथ यानी क्षार को अगर अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो साल्ट यानी लवण और जल प्राप्त होगा। और ये जो अभिक्रिया है यहाँ पे, बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, तो इसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग उदासनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम लोग क्षार और एसिड को क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो लवण और जल प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए, कॉपर ऑक्साइड को अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, जो विलयन प्राप्त होगा ये नील हरित विलयन होगा, मतलब नीला और ब्लू कलर का दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि इसमें कॉपर टू क्लोराइड क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखिए, एसिड जो होते हैं ये जल में घुलने पर क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, और जो बेस होते हैं मतलब क्षार जो होते हैं, क्षार अगर जल में घुलेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, अगर अम्ल को जल में घोलिएगा तो क्या होगा, एच प्लस आयन रिलीज होगा। ठीक है, एच प्लस, और अगर क्षार को जल में घोलिएगा तो क्या होगा, ओ एच माइनस आपका यानी हाइड्रोक्साइड आपका क्या होगा, आयन रिलीज होगा। देखिए, अम्ल या क्षार में जल मिलाने से क्या होता है कि आयन की सांद्रता में कमी होती है, और इसे तनुकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे तनु HCl दिया हुआ है, तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या किया, थोड़ा जल मिला दिया, वाटर मिला दिया, इससे क्या हुआ, HCl का जो सांद्रता है मतलब कॉन्सेंट्रेशन है आयन की, ये क्या हो गया, कम हो गया, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तनुकरण बोलते हैं यानी डाइल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे नेक्स्ट आपका, देखिए, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है कि किसी विलयन में उपस्थित एच प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करना। मतलब देखिए, पीएच स्केल जो होता है उससे किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की कितनी सांद्रता है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, इसको ज्ञात किया जाता है पीएच स्केल से, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है, देखिए, उदासीन विलयन। उदासीन विलयन का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 होता है। पीएच वैल्यू जो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज हैं, तो इसको आप याद कर लेंगे जरूर से जरूर। देखिए, जो जठर रस होता है यानी गैस्ट्रिक जूस होता है, इसका पीएच कितना होता है, हमारे जो आमाशय में निकलता है गैस्ट्रिक जूस, इसका पीएच होता है 1.2 पीएच होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, नींबू का जो रस होता है, लेमन जूस जो होता है,
इसका यहाँ पे पीएच कितना होता है 2.2। और फिर शुद्ध जल जो होता है यानी जो प्योर वाटर होता है उसका पीएच क्या होता है 7 होता है, इसका मतलब उदासीन होता है प्योर वाटर, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है देखिए ब्लड, ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है 10 होता है, 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना होता है, इसका होता है 14। देखिए पीएच स्केल में कितना होता है कि एक तरफ 0 होता है और एक तरफ 14 होता है और बीच में क्या होता है 7 होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे 7 पे आएगा ये क्या हो गया, ये उदासीन हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अगर इधर जाइएगा 7 से लेकर 0 तक इधर जाइएगा तो इधर क्या होगा, एसिडिटी बढ़ते जाएगा, और 7 से अगर 14 की तरफ बढ़िएगा तो फिर क्या होगा पीएच स्केल में, इधर क्षार की जो कॉन्सेंट्रेशन है यानी OH जो आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ते जाएगी। लेकिन अगर 7 से हम लोग इधर 0 की तरफ जाएंगे पीएच स्केल में तो एच प्लस आयन की सांद्रता बढ़ते जाएगी। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए आप कि हमारे जो शरीर है, हमारा जो शरीर है ये 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच क्या करता है, कार्य करता है। मतलब जो ह्यूमन बॉडी है वो 7 से लेकर 7.8 पीएच के जो रेंज है उसी के बीच क्या करता है, फंक्शन करता है। उसके बाद देखिए अम्लीय वर्षा जो होता है, एसिड रेन होता है, इसका पीएच कितना होता है 5.6 से कम होता है, ठीक है। और देखिए जब 5.5 से जब पीएच का मान हमारे मुंह में कम हो जाएगा 5.5 से तो क्या होगा, दांतों का क्षय यहाँ पे प्रारंभ हो जाए, मतलब हमारे जो दांत है उसका डीके स्टार्ट हो जाएगा, कितना पीएच से कम होने पर 5.5 से। और जो यहाँ पे देखिए अम्लीय वर्षा है इसका पीएच कितना होता है 5.6 से कम जब होता है पीएच वर्षा का, मतलब अगर बारिश हो रही है और उसका पीएच 5.6 से कम हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और जो हमारे मुंह में यहाँ पे पीएच का मान अगर 5.5 से कम हो गया तो क्या होगा, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है कि सिरका में देखिए प्राकृतिक अम्ल, मतलब जो नेचुरल यहाँ पे एसिड मिलते हैं, यहाँ पे आपका लिस्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि किसमें आपका कौन सा एसिड पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। संतरा में क्या मिलता है, ऑरेंज में आपका सिट्रिक एसिड मिलता है। इमली में आपको क्या मिलता है, टार्ट्रिक एसिड मिलता है। देखिए टमाटर में आपको क्या पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। खट्टा दूध या फिर दही में क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड मिलता है। नींबू में आपको क्या मिलता है, इसमें साइट्रिक एसिड मिलता है। चींटी का जो डंक होता है इसमें क्या मिलता है, मेथनोइक एसिड मिलता है। देखिए नेटल का डंक में क्या मिलता है, मेथनोइक एसिड। देखिए नेटल एक पौधा होता है, उसके जो मतलब रोवे जैसे होते हैं तो उससे अगर आपके बॉडी में चुभ जाएगा तो फिर क्या होगा, मेथनोइक एसिड उसमें क्या होता है, रिलीज होता है। तो उसके बाद देखिए जो साधारण नमक का फॉर्मूला है, सोडियम क्लोराइड है ये NaCl। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या है कि सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है, मतलब लवण जल जो होता है, इससे अगर हम लोग विद्युत प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं, और इससे क्या होता है, क्लोरीन उत्पन्न होता है। देखिए नेक्स्ट लाइन यहाँ पे जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसमें सीधी सीधी बात है कि जलीय सोडियम क्लोराइड को अगर विद्युत अपघटन किया जाए तो इससे क्या होता है, क्लोरीन का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को देखिए क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है इसका जो जलीय विलयन होता है इसमें क्या होता है, इसमें विद्युत प्रवाहित किया जाता है और इसमें क्या होता है, विद्युत अपघटन के द्वारा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है और फिर आपका यहाँ पे क्लोरीन भी उत्पन्न होता है, ठीक है। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या उत्पन्न होता है, क्लोरीन उत्पन्न होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है देखिए, शुष्क बुझा हुआ चूना जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, CaOH2, ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो देखिए आपको यहाँ पे अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है, तो शुष्क बुझा हुआ चूना में क्लोरीन की क्रिया से क्या बनाया जाता है, विरंजक चूर्ण बनाया जाता है, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर जो होता है विरंजक चूर्ण होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी ए
OCl2 होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला। देखिए जो फॉर्मूले हैं ब्रैकेट में, जो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं उन सबको भी आप याद जरूर कीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, देखिए विरंजक चूर्ण का उपयोग, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है, तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लेनिन के विरंजन के लिए, कागज की लकड़ी के मज्जे एवं जो लॉन्ड्री में कपड़ा होता है उसको विरंजन के लिए, मतलब साफ करने के लिए यहाँ पे विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। उसके बाद देखिए जो रासायनिक उद्योग होते हैं उसमें इसको उपचायक के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है इसका यूज, देखिए विरंजक चूर्ण का ये पीने वाले जल को क्या करते हैं, जीवाणुओं से मुक्त करते हैं, है ना। जब कुआं में या फिर कहीं पानी क्या होता है, हम लोग थोड़ा क्या करते हैं उसको जब प्योर करते हैं या फिर शुद्ध करते हैं, इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण भी डालते हैं, जिससे क्या होता है कि जीवाणु से इसको हम लोग मुक्त कर पाते हैं। तो ये आपका विरंजक चूर्ण का क्या हो गया, आपका उपयोग हो गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है बेकिंग सोडा। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोलते हैं, खाने का सोडा सिंपली उसको हम लोग बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का। देखिए बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एक एंटा एसिड भी है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, एंटी एसिड के रूप में हम लोग इसको याद यूज करते हैं, एंटा एसिड के रूप में, मतलब अम्ल का, अत्यधिक अम्ल का ट्रीटमेंट के लिए भी इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसका एक संघटक भी है, कंपोनेंट है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो यूज है बेकिंग सोडा का, ये सोडा अम्ल अग्निशामन में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पावरोटी या केक में खमीर उठाने के लिए, कोई भी पावरोटी जो होता है या फिर केक होता है, देखते हैं आप उसमें गोल गोल छेद होता है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, जो कि बेकिंग सोडा और उसमें और एक अम्ल यूज किया जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है यहाँ पे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और जिससे कि पावरोटी या फिर केक में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र बनते हैं, तो बेकिंग सोडा का यूज है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए आपके धोने का सोडा, यानी जो धावन सोडा हो गया, आपका वाशिंग पाउडर हो गया। वाशिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 × 10H2O, ये इसका फॉर्मूला है। देखिए जितने भी फॉर्मूले हैं आप उनको जरूर याद कर लीजिएगा, वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से क्या होता है, धोने का सोडा वाशिंग पाउडर प्राप्त किया जाता है। तो अगर एग्जाम में आपको पूछे कि सोडियम जो ये आपका धोने का सोडा है, वाशिंग सोडा है, इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा यानी वाशिंग पाउडर जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। देखिए वाशिंग पाउडर का यहाँ पे आपका क्या यूज़ है, तो यहाँ पे यूज़ दिया गया है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे देखिए उपयोग है बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। नेक्स्ट आपका इसका यूज़ क्या है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों के साफ सफाई के लिए भी होता है। हम लोग घर जब साफ करते हैं तो जो वाशिंग पाउडर है उसका इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा साफ करने में भी किया जाता है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, है ना। तो ये सारे वाशिंग पाउडर के क्या हो गए, यूज हो गए, और इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 × 10H2O। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है देखिए जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 × 2H2O, ठीक है। तो देखिए जिप्सम को अगर 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, CaSO4 × 1/2H2O। देखिए जिप्सम का क्या है, 2H2O है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, 1/2H2O, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसमें निर्जलीकरण होता है, मतलब जो इसमें यहाँ पे देखिए
ये H2O के जो अणु है वो क्या हो गया, यहाँ से निकल गया है, तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है, हाफ H2O बचा हुआ है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है ये क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, 1/2 H2O, और जिप्सम का क्या हो गया, CaSO4 इंटू 2H2O। देखिए जिप्सम का जो यूज़ होता है ये क्या होता है, खिलौना बनाने में होता है, उसके बाद देखिए सजावट का सामान बनाने में होता है, सतह को चिकना बनाने में किया जाता है, तो ये सब इसका यूज़ है जिप्सम का। और डॉक्टर द्वारा जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर करते हैं वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, यानी जो आपका CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, जो कि प्लास्टर किया जाता है हाथ या फिर पैर टूटने पर। तो दोस्तों ये आपके अम्ल क्षार और जो लवण का जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर का ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपको इन सभी पॉइंट को ज़रूर से ज़रूर याद करके आपको एग्ज़ाम में जाना है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।